नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति, हम दोनों इंदौर में काम करते हैं और हम लोग ने ये पर्टिकुलर सीरीज जो केस स्टोरीज वाली है वो चालू करी ताकि हम असल केसेस डिस्कस कर सकें आपसे, जिससे कि आपको भी पता चले कि लोग कितनी मुश्किल सिचुएशन में ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको सक्सेस मिलती है और फिर कितना अच्छा लगता है उनको भी और एज डॉक्टर्स हमको भी। ये केस है 2015 का। एक 32 साल की महिला हमारे पास आई, उसकी शादी को अराउंड 2 साल हुआ था। उसने एक बड़े शहर में कर्नाटका में टेस्टिंग कराई, उसका एग नंबर्स उसके बहुत कम आए थे। इसको बोलते हैं कि ओवर एंड रिजर्व बहुत कम थी उसकी, तो उसको डॉक्टर्स ने बोला था कि आप जो है डोनर एग कराओ, आपके एग नहीं है, बहुत ही कम है। तो अगर आपको रिड्यूस्ड एग नंबर के बारे में जानना है तो एक हमारा वीडियो है, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। उस लेडी को हमने फिर समझाया कि भाई हाँ, डोनर एग से आपकी सक्सेस रेट है ज्यादा है, आप अपने खुद के एग्स यूज करेंगी तो सक्सेस रेट आपको काफी कम आएगी। वो महिला इंजीनियर थी, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर साहब अपना बच्चा ही चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ, अभी तक मैंने एक भी बार कोशिश नहीं करी है। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि भाई ये पेशेंट का अधिकार है, अगर वो कोशिश करना चाहे तो हम मना करने वाले कोई नहीं होते। उसको समझाया, पूरा डिटेल समझा दी कि भाई आपको कई बार आईवीएफ कराना पड़ सकता है। उसको डिटेल बताया, एक रोड मैप दिया कि आपको इतने महीने की मेडिसिन, फिर हम इंजेक्शन देंगे, हर महीने आपको टेस्टिंग कराने आना पड़ेगा, फिर हम एग पिकअप करेंगे, एग्स निकालेंगे आपके आपके ओवरीज से, उसके बाद आईवीएफ करेंगे। मैंने बोला कि भाई हमको 5 एम्ब्रियोस तक प्रेफरेबली मिल जाने चाहिए, तब हम आपका ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि एम्ब्रियो वापस यूट्रस में डालेंगे। तो तैयार थे, तो हमने इंजेक्शंस चालू किया। टोटल 10 बार उसको इंजेक्शंस देने पड़े, 10 में से 4 बार फॉलिकल्स ग्रो नहीं किए तो साइकिल कैंसिल करनी पड़ी। 6 बार जब फॉलिकल्स ग्रो किए, जब हम उसको ओटी में ले गए एग्स निकालने, तो उसमें से 2 बार एग्स मिले ही नहीं, सिर्फ पानी था, उसमें फॉलिकल्स में एग्स नहीं थे। 4 बार हमको एग्स मिले, उसमें टोटल हमको 5 एम्ब्रियोस मिले। पहली बार हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए, दोनों इम्प्लांट नहीं हुए, प्रेगनेंसी नहीं मिली। दूसरी बार हमने 3 ट्रांसफर किए, फिर प्रेगनेंसी नहीं मिली। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। तो पेशेंट को फिर समझाया, क्योंकि मैं और डॉक्टर स्वाति हम दोनों पेशेंट से वार्तालाप करने में बहुत विश्वास रखते हैं कि भाई आप बातचीत करो, समझाओ, समझो आपकी पेशेंट क्या चाहता है, फिर आप अपनी बात उसके सामने रखो और फिर एक प्लान बनाओ, ताकि प्लान ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ हमने उसके ऊपर थोप दिया। प्लान ऐसा रहना चाहिए जो हमारे समझ से सही है, हम पेशेंट को समझाएं और उसके समझ से भी वो सही होना चाहिए, तभी हम उस प्लान पे आगे बढ़ते। तो जब बात करी तो उसने बोला डॉक्टर साहब मैं तो अभी भी डोनर एग के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे फिर भी अपना ही ट्राई करना है फिर से। तो फिर से हमने किया, तो 2 बार उसके एग्स निकाले, हमको 3 एम्ब्रियोस मिले, फिर हमने डाला तो फिर उसको प्रेगनेंसी हो गई और 2018 में उसको बेबी मिल गया। तो 2015 में वो आई थी, 3 साल बाद 2018 में बेबी मिला, पर इस दौरान वो कंटिन्यूस हमसे ट्रीटमेंट कराती रही। तो इस केस से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये कि अगर आपके दिमाग में क्लियर है और अगर आप लगातार उसको पाने की कोशिश करते रहे तो ज्यादातर लोगों को अपना लक्ष्य मिल जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है इस केस की या किसी और बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उनको आंसर करेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहें या बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो हमारी डिटेल दी हुई है। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम लोग यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं। हम लोग आपसे, आपकी कोई भी मदद अगर हम लोग कर पाए तो हम लोग बहुत खुश होंगे। धन्यवाद।